हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। फटाफट आ जाइए, लाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, अगर आप लोगों को TGT, PGT, जूनियर एडेड, LT ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए बड़ी ही बेस्ट क्लास होने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूँ, TGT, PGT, जूनियर एडेड किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है गाइस। ठीक है, तो आप लोग फटाफट आ जाएं। ओके, फ्री और प्लस में क्या क्या डिफरेंस है? यहाँ लिमिटेड सिलेबस है, यहाँ कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है। प्लस के फीचर्स क्या क्या हैं? फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली मॉक टेस्ट है। बैच कोर्स के बारे में जान लें, 10 डेज मैराथन सीरीज आप देख सकते हैं, 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रेगुलर चल रही है, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, इंडिया की बेस्ट टीम पढ़ा रही है गाइस। नमस्ते नमस्ते बच्चे। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, DSSSB का बैच चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टेट के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, बेस्ट टीम पढ़ा रही है बेटा हमारे यहाँ, ठीक है। और फाइनल मैराथन सीरीज चल रही है, इसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फटाफट आ जाइए, काफ़ी बेनिफिट्स हैं आपके, ठीक है। और अल्टीमेट प्रिपरेशन चल रही है CTET पेपर 1, पेपर 2 के लिए, और बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आप सभी के पास। बिल्कुल भी समय मत गंवाइएगा, क्योंकि यही समय आप लोगों को सफलता दिलाएगा, अगर इसी समय का सही यूटिलाइजेशन आपने कर लिया। क्योंकि तो हर चीज़ का एक समय होता है, और अगर सही समय पे आपने सही यूटिलाइजेशन कर लिया तो निश्चित तौर पे आप लोग का फायदा होगा। MP TET का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, Super TET कोई भी एग्जाम दीजिए, फाइनली Super TET तो गाइज आपको देना ही देना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, 80% तक प्राइस ड्रॉप है विथ मॉक टेस्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 80% तक प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, और अभी भी ड्रॉप एंड नोटिफिकेशन आने के बावजूद कभी भी फीस बढ़ सकती है, उसके पहले ही Super TET, UP TET किसी में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। DSSSB, Super TET, KVS, NVS, APS में गाइस जुड़ सकते हैं, फटाफट आ जाइए। बिल्कुल ओके, कोड याद रखिएगा, कोई बैच ज्वाइन करना हो कोड Uday10 ही याद रखिएगा, इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एक कोड डालते ही, और निश्चित तौर से आपको यहां से फायदा मिलेगा। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग। और मैं बताना चाहता हूँ, 29 सितंबर, 22 हो गया गलती से, 29 सितंबर यानी कल, 29 सितंबर यानी कल 12:30 बजे और 5:30 बजे स्पेशल क्लासेस हैं, आप लोग देखना मत भूलिएगा। ये क्लासेस काफी माइंड ब्लोइंग आप लोग के लिए होने वाली हैं, तो आप सभी लोग जुड़िए, फटाफट आ जाइए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। बक्स बाउंटी में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को बताएं और उससे आप प्राइज जीत सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चे जुड़ गए हैं, और आप लोग बेटा पूरी ताकत लगा दीजिए, यही समय है समय को सही से यूटिलाइज करने का। और मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ कि सही से यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटे। ओके चलिए स्टार्ट किया जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए एक मिनट बेटा, जरा मैं कुछ स्लाइड्स ले लूं। और कुछ क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे से।
चलिए फटाफट आंसर दें। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और निश्चित तौर से आप लोग का काफी फायदा होने वाला है। बताएं बच्चे। आइए देखते हैं। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट विथ हिम इज बॉर्न आ रियल पोएट्री, हु इज द पोएट, हु इज द पोएट रेफर्ड। अर्नोल्ड ने एक पोइट के बारे में कहा है विथ हिम उसके साथ जन्म होता है हमारी रियल पोइट्री का, हु इज द पोइट रेफर्ड, शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या शैले। और सभी लोग आंसर दें, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जितने बच्चे हैं सभी लोग जुड़ते जाएं और आंसर भी सभी लोग दें जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जुड़ते जाएं और आंसर भी सभी लोग दें। जल्दी बताएं। यस 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 सी सी काफी बच्चों का सी आ रहा है। और इस लेवल के ऊपर का लेवल बेटा जूनियर एडेड में नहीं आने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी से। बहुत लंबी लंबी कोर्स आपको रटने की जरूरत नहीं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों पे बस आप लोग फोकस करिए, डेट याद रखिए, राइट, बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, बायोग्राफी किस एज से कौन बिलोंग करता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चाहे एंग्लो सैक्सन हो, एंग्लो नॉर्मन हो, चौसर की एज हो, रेनेसा हो, राइट, एलिजाबेथन पीरियड हो, या आप कोई भी जैकोबियन हो, कैरोलाइन हो, कॉमनवेल्थ हो, राइट, रोमांटिक हो, मॉडर्न हो, विक्टोरियन हो, कुछ भी हो, सभी एज से रिलेटेड जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। मान लीजिए मैंने विक्टोरियन एज का नाम लिया तो आप 3 से 4 ऑथर ऐसे आपको पता होने चाहिए जो बड़े ही प्रोमिनेंट है, राइट। तो एज का नाम आते ही जैसे विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज, रेनेसा कोई प्रभावित किया उन्होंने, जैकोबियन एज कोई प्रभावित किया, तो मतलब इस तरह की टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पूरी उनकी बॉन्डिंग पता होनी चाहिए कि मतलब कौन सी एज में क्या डिफरेंस था, किसने मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरी तरह से डिनाई किया, जैसे रोमांटिक एज को हम देखते हैं कि उन्होंने मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरी तरह डिनाई किया, नेचर को इम्पोर्टेंस दी। मॉडर्न एज में क्या हो जाता है, साइंस को वैल्यू दी गई, मूल्य को, आपके वैल्यूज को कम किया गया और साइंस को बढ़ोतरी मिली, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, इन्वेंशन बढ़े, मतलब हर एज के जो फीचर्स हैं आपको पता होने चाहिए, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे से, और अगर आपको सीक्वेंस पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोइट विथ हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री, हु इज द पोइट रेफर्ड, चौसर इज द आंसर, चौसर इज द आंसर। अगला देखें। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोइट हिज पोइट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्रीज इज रेफर्ड इन दीज लाइन। अर्नोल्ड ने एक पोइट के बारे में कहा है कि उसकी पोइट्री जो है रियलिटी है और उसकी फिलॉसफी इज द इल्यूजन। फटाफट बताया। फटाफट आंसर देते जाए। यस मिनट बच्चों रुक जाइए रहा, 1 मिनट। एक मिनट आप लोग आंसर देते रहे बिल्कुल, बहुत
बहुत जल्दी आने वाला है, सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, डोंट वरी बेटा, सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। यस, चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जितने बच्चों का भी आ रहा है, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। यस, किसके लिए कहा है? वर्ड्सवर्थ के लिए कहा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है कि हिज पोइट्री इज द रियलिटी एंड हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन। यस, बी विल बी द राइट आंसर। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में लिखा गया है वर्क ये? रग्बी चैपल, बताएं फटाफट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क रहा है रग्बी चैपल, 1867। ठीक है, ये क्या रही है? एक एलिजी रही है, एलिजी, रिटन ऑन द डेथ, रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज फादर। राइट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यस यस यस, तो रग्बी चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड रिटन इन द मेमोरी ऑफ थॉमस अर्नोल्ड, शेक्सपियर, टेनिसन या कीट्स। बिल्कुल सही है, थॉमस अर्नोल्ड, उनके फादर का नाम था, क्या नाम था? डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, हु डाइड इन 1842। और डॉक्टर अर्नोल्ड रोट अ फेमस बुक, अ हिस्ट्री ऑफ रोम, अ हिस्ट्री ऑफ रोम, एक फेमस इन्होंने बुक भी लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ रोम। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। मुल्क राज पास्ड अवे इन द ईयर, मुल्क राज पास्ड अवे इन द ईयर, फटाफट बताएं। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोग, मुल्क राज पास्ड अवे इन द ईयर। यस गाइस, बिल्कुल सही आ रहा है, 2004 इज द राइट आंसर। यस, 2004। ठीक है, अगला देखें। विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन, विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन, फटाफट बताते रहे। विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन, और अभी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 12:30 बजे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सीरीज हमने चलाई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी क्लास है, पता है कि नहीं पता है, पहले बताइए। जैसे कल क्लास हुई थी वैसे ही क्लास होगी। हेलो ललिता गंगवार, हाउ आर यू? विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहे। कई बार जो इजी क्वेश्चन होते हैं पूछ लिए जाते हैं, बच्चे गलत करके चले जाते हैं। और विलियम फॉकनर, इसी समय बता दीजिए, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? लगे हाथों ये भी आंसर दे दें आप लोग, नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला था बताएं। बिल्कुल सही है, 25 सितंबर 1897, ये तो आपने बॉर्न बता दिया, बिल्कुल सही है। नोबेल प्राइज का ईयर बताएं इनका, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है 1949 इज द राइट आंसर। यस, 1949। यस, अच्छा, चलिए ठीक है। विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी हैज अ चैप्टर इन विच अ मैन सेल्स हिज वाइफ, ये तो मैन सेल्स हिज वाइफ, ये लाइन देखते ही उस वर्क का नाम आपको याद आ गया होगा। और आप सभी लोग लाइक कर लें, 52 बच्चे देख रहे हैं, आधे ही लाइक हैं, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, देखिए लाइक करने वाले लाइक नहीं करते हैं टाइम से, लेकिन डिसलाइक वाले करके चले जाते हैं। अच्छा, डिसलाइक वालों का मुझे एक बड़ा बुरा लगता है, अगर वो रियल में बच्चे हैं, बच्चों की आड़ में कोई टीचर या कोई इस तरह के लोग नहीं है, तो वो अपना प्रॉब्लम क्यों नहीं लिखते हैं? आज तक मुझे समझ नहीं आया, कोई उनको खा तो जाएगा नहीं कि हम मोबाइल के अंदर घुस के उनको मारने लगेंगे।
मतलब लिखते नहीं है, ये बड़ी समस्या। इससे ये पता चलता है बच्चे तो कभी नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं। यस यस, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, यस सी विल बी द राइट आंसर, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। यस ये बात तो सही कह रहे हैं आप। यस यस यस, ठीक है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में ये होता है, और मैंने थॉमस हार्डी पढ़ाया है, वहां पर ये वर्क भी मैंने बताया था। ओके अगला देखते हैं। हु कॉल्स अर्नॉल्ड आ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? हु कॉल्स अर्नॉल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? हाँ, हमें भी अब लगने लगा है ऐसे ही कुछ। फटाफट आंसर दें। हु कॉल्स अर्नॉल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? चलिए 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 चलिए, अब काम करिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, टीएस इलियट। किस कौन कहता है अर्नॉल्ड कि एक प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर हो एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर? कौन कहता है? टीएस इलियट कहते हैं। बी विल बी द राइट आंसर। यस बिल्कुल सही जा रहे हैं। हु सेड आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस? किसने कहा कि एक सुबह मैं उठा और मैंने अपने आप को बड़ा फेमस पाया? हु सेड आई अवोक माई वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस? जल्दी से बताएं। लॉर्ड बिरॉन, ऑस्कर विल, वर्ड्सवर्थ या मिल्टन? कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। सभी के आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एकदम मेमोरी कार्ड में सेट कर लीजिए, ए विल बी द राइट आंसर, लॉर्ड बिरॉन। यस ए विल बी द राइट आंसर। और मैं बता दूं, इसी चैनल पर आज रात 10 बजे भी क्लास है, 10 PM पर भी क्लास है। और एक खुशखबरी आप लोग के लिए है, जो क्लास 10:30 होती थी वो आज क्लास 8:30 होगी। तो आज आप लोग रेडी रहिए, कल वाली जो क्लास नहीं थी आज मैं पहले ले लूंगा, क्योंकि आज 10 बजे ऑलरेडी टीचिंग ज्ञान पे क्लास लगी हुई है। ओके आयुषी, पढ़ा तो देते हैं बेटा, यूट्यूब पे देख लिया करिए। एक दो बच्चों के मैसेज आए थे सर, पीडीएफ में बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है, समझ में नहीं आता है, तो आप पीडीएफ भेज दिया करिए, और जो पढ़ाए थे वहां से तो हम लोग देख ही लेते, तो हमने इसीलिए वो वाला हटा दिया सिस्टम। ठीक है, चलिए ठीक है, खैर। चलिए आगे देखें। आउट ऑफ द फोर नेम्स गिवन बिलो, थ्री पोएम्स आर प्ले बाय टी एस इलियट, पॉइंट आउट वन दैट इज नॉट अ पोएम बाय हिम। इनमें से कौन सी टी एस इलियट की पोएम नहीं है, ये आप लोग को बताना है, बताएं। और ये भी मैंने बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ाया है, अब मत कहिएगा पढ़ाया नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर दें। बेटा गलत आंसर मत दें, और क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा ना करें। बहुत, और ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, द वेस्ट लैंड, द कॉकटेल पार्टी, द हेलो मैन, एश वेडनेसडे। सोच समझ के आंसर दीजिएगा बेटा। देखिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो द कॉकटेल पार्टी है, क्या है जो कॉकटेल पार्टी है, ये एक इनका पोएटिक प्ले है,
क्या है? पोएटिक प्ले है गाइस, ठीक है। इनके जो पोएटिक प्लेस थे, स्वीनी एगोनिस, द रॉक, राइट, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और एल्डर स्टेट्समैन, सब मैंने पढ़ाया था, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो बिल्कुल, द कॉकटेल पार्टी जो है ये इनका क्या है, एक पोएटिक प्ले है, 1949 में आया, 1949 में आया। सेवन इनके पोएटिक प्लेज है जो हम लोग पढ़ते हैं, पीजीटी में पढ़ते हैं हम लोग, और पीजीटी के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। यस, वेस्टलैंड की अगर बात की जाए तो ये एक मॉडर्न एपिक रहा है, 434 लाइंस का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 434 लाइन का रहा है, एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है, किसको डेडिकेटेड है, एजरा पाउंड को, लाइंस कितनी है, 434, ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है, और ये सब भी मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। यस यस गाइस, एक मिनट बच्चों रुकिए रहा, एक मिनट, ओके okay। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम डोवर बीच, ये तो अभी पढ़ाया ही मैंने, डोवर बीच बताया गया किसका वर्क है, अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, अभी बताया है आप लोगों को, बताएं बेटा डोवर बीच जो है किसका वर्क है, फटाफट। और क्या है डोवर बीच? तो भाई साहब आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, अर्नोल्ड है इसका, बट और ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया, 1867 में डोवर बीच, राइट। एलिजी है, पोइट जो है दुख व्यक्त करता है किस चीज पर, बताइए किस चीज से रिलेटेड ये एलिजी है, इट इज एन एलिजी, एक मिनट, इट इज एन एलिजी इन विच द पोइट्स लामेंट्स, आइए देखते हैं क्या है। डोवर बीच इन न्यू पोएम्स में आया, द पोइट लामेंट दुख व्यक्त करता है ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, जो धार्मिक मान फेथ था वो कम हुआ था, किसकी वजह से, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड की वजह से, विक्टोरियन एज में जो पतन हुआ था, इन विक्टोरियन एज देयर वॉज अ डिक्लाइन इन रिलीजन एंड इट्स फेथ एंड मैन बिकम मोर मेटलिस्टिक, और लोग ज्यादा भौतिकतावादी बन गए थे, इस पर दुख व्यक्त किया था डोवर बीच में, ठीक है। यस, रिलीजियस फेथ का लॉस हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी इतनी बातें भी आप याद रखो ना, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, कम से कम 40 से 50 लोग लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। लिटरेचर और ग्रामर में एक अंतर है, ग्रामर कभी याद नहीं रहती है, जब क्वेश्चन आता है तब याद आता है, इसमें ये रूल लगेगा। लिटरेचर में एक बार पढ़ लोगे, हर टीचर बार बार वही रिपीट करेगा और याद हो जाता है, कोई भी टीचर का तुम वीडियो देख लो, डोवर बीच में उसने ये नहीं बता दिया होगा कि इसमें सलमान खान गए थे एक बार बीच में, बताएगा वही जो हम बता रहे हैं। तो लिटरेचर बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ना है और ग्रामर बिल्कुल एक्साइटमेंट में पढ़ना है, ग्रामर में जितना तुम्हारा एग्रेसिवनेस होगा, जितना एक्साइटमेंट में पढ़ोगे उतनी आएगी, और लिटरेचर जितना आराम से पढ़ोगे उतनी आएगी, ये अंतर है पढ़ने का तरीका, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं नहीं देने की जरूरत है, कुमारी स्नेहा, कहीं देने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल। द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टलब्रिज,
द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टरबरी, जल्दी बताएं। न्यूसन, नन, माइकल हेंचर्ड या एलेक्स डी अबोविल, क्या आंसर होगा फटाफट में? नहीं, यस, ये भी बेटा पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी पीजीटी में आ चुका है। यस यस, बिल्कुल सही है बेटा, माइकल हेंचर्ड इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट द मेयर ऑफ कास्टरबरी इज माइकल हेंचर्ड। ठीक है, माइकल हेंचर्ड जो है एक मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल के, और ही इज हार्डली परफेक्ट बट ही इज कंसीडर्ड एज द प्रोटेगोनिस्ट बिकॉज ऑफ हिज आर्डेंट डिजायर। राइट, बिल्कुल सही है, सी विल बी द राइट आंसर। यस, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है बेटे, बिल्कुल सही है। डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, द डेली न्यूज, लंदन न्यूज, मॉर्निंग न्यूज, बीबीसी न्यूज। डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। ओके अजय जी, मैं बताता हूँ, इसका भी कुछ हेल्प करूंगा मैं आपकी, डोंट वरी, इसका भी कुछ हेल्प किया जाएगा, डोंट वरी। यस, बिल्कुल परेशान ना हो। यस, द डेली न्यूज इज द राइट आंसर, द डेली न्यूज, लंडन न्यूज नहीं है बेटा, डेली न्यूज है, द डेली न्यूज। आगे देखते हैं, द लास्ट बुक, ठीक है, डेली न्यूज है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी डिकेंस जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वॉज, लास्ट बुक आपको बतानी है जो उन्होंने लिखी। अगला जो लेक्चर है लिटरेचर में, चार्ल्स डिकेंस पे ही आने वाला है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। पहले बताइए, आप में से कितने बच्चों ने कल कंडीशनल सेंटेंस की क्लास की थी? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहां पूछ सकता है लाइव में, उसके बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने कल पढ़ाया है उसके बाहर गाइस नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसी लगी थी क्लास बेटा? हाउ वॉज द क्लास? ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सी विल बी द राइट आंसर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, विच पोयम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद नेपोलियनिक वॉर्स, ये भी पढ़ाया गया आप लोग को। विच पोयम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद नेपोलियनिक वॉर्स, द डायनास, इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, कई बार बताया है। हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मैरिट थॉमस हार्डी, हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मैरिट थॉमस हार्डी, फटाफट आंसर दें। जॉर्ज फिफ्थ, एडवर्ड सेवन विक्टोरिया या एडवर्ड एट? ए
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। बिल्कुल सही है, सी विल बी द राइट आंसर, जॉर्ज फिफ्थ। यस, विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियलिक नॉवेल? सीरियलिक नॉवेल बताना है, फर्स्ट नॉवेल नहीं बताना है, जो सीरियल में रही है बताए फटाफट। फर्स्ट नॉवेल टू बी सीरियलाइज्ड बिटवीन सितंबर 1872, इसको सीरियलाइज्ड किया गया था बिटवीन सितंबर 1872 टू जुलाई 1873 के बीच में। बिल्कुल सही है, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। वैसे अगर देखा जाए तो ये हार्डी का थर्ड नॉवेल था, ये हार्डी का थर्ड नॉवेल था। हार्डी को क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है? एक बड़ी फेमस लाइन है इनके लिए, हार्डी के लिए, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लेते हैं, ठीक है? यस, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट, राइट? क्या कहा जाता है? लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवेलिस्ट, गाइस ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। हाँ, पैसिमिस्टिक तो कहा ही जाता है, वो तो इशू है ही है इनके साथ। ठीक है बेटा, रीजनल पोइट बहुत सारे हैं। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड? इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड? फटाफट बताएं। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड? अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। 1910 यानी नन हो जाएगा। यस, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी डी। हु हैड रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? हु हैड रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? फटाफट आंसर दें, जल्दी से बताइए। बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं और बहुत से बच्चों का गलत भी आंसर आ रहा है, तो प्लीज गाइस ऐसा ना करें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जीआईसी के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो हु हैड रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? बिल्कुल सही है, मुल्क राज आनंद। क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। यस, फर्स्ट पब्लिश्ड बताइए कब हुआ, पहली बार पब्लिश है कब हुआ? फर्स्ट पब्लिश्ड आपको ईयर बताना है, इस नॉवेल का पब्लिकेशन ईयर बताना है, जल्दी बताएं, फटाफट आंसर दें। फर्स्ट पब्लिश्ड इन, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, तो याद रखिएगा 1953, 1953 में। और ये जो वर्क है बड़ा ही क्लासिफाइड है, मोस्ट इंप्रेसिव और इंपॉर्टेंट वर्क रहा है मुल्क राज आनंद का गाइस, ठीक है? यस, द लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क, द लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। जल्दी आंसर दें, द लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। और अभी क्लास है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को गाइस बताना चाह रहा हूं, अभी आप लोगों की क्लास है। कौन सी क्लास है? 12:30 से, आप लोगों को पता है।
शशि देश पांडे, बिल्कुल सही है, शशि देश पांडे, यस। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। ये एक रेसिपिएंट रही हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड के। इनके कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बताइए। इनके कम से कम 2 से 3 वर्क के नाम बताइए, ऑलरेडी जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया है। इस वर्क को याद रखना हो तो पांडे से याद रखिए। पांडे जी जो हैं, पंडित जी जो हैं, साइलेंस की पूजा कराते हैं। हम लोग तो इस तरह इसको याद कर लिए थे कि जो पांडे जी हैं उन्होंने साइलेंस की पूजा कराई, समझ रहे हैं? जो पांडे जी आई थी, शशि देश पांडे जी, उन्होंने साइलेंस शांति की पूजा कराई। यस, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो इनका एक और वर्क है जो एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल आपका पूनम सही है, रूट्स एंड शैडो। रूट्स एंड शैडो हो गया, द लॉन्ग साइलेंस मैंने बताया, द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज हो गया गाइस, ये सारे वर्क इनके इंपॉर्टेंट हैं। यस यस, इफ आई डाई टुडे, इफ आई डाई टुडे हो गया। इसका ईयर बताइए जरा, ये एक बार पूछा गया है, इफ आई डाई टुडे का ईयर क्या था? इफ आई डाई टुडे का ईयर क्या था गाइस? जल्दी बताएं। If I die today, का ईयर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। बिल्कुल सही है, 1982, ये भी पूछा गया है, 1982, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स, आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहां से ली गई? आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस, जल्दी बताएं। जल्दी लिए आंसर दें बेटा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आज रात में 10 बजे भी क्लास है, 10 PM भी क्लास है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आज रात 10 PM भी क्लास है बच्चे। द लाइन आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम, बेटा यही हमारा काम है कि माइंड में फिट करें। एक किसी ने कहा था कि लिटरेचर को जानने के लिए लैंग्वेज को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको उस ऑथर का नाम बताना है। और देखिए हम सही पद्धति में पढ़ा रहे हैं, वैसे सारे ही टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा जिसने भी BA MA कर रखा है वो ग्रामर पढ़ा ही नहीं रहा है, वो लिटरेचर शुरू करता है। और वही एकदम सीधी सी बात बताता है कि विक्टोरियन एज का टाइम ये से ये है, इसका टाइम ये से ये है, ये उसके वर्क। अरे भैया, अंग्रेजी की जान ग्रामर होती है, अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ाओगे तो लिटरेचर रट के सिलेक्शन नहीं होगा, लिटरेचर रट के सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और मैं बता दूं, जो टीचर बहुत ज्यादा लिटरेचर केवल पढ़ा डालता है उसका ग्रामर पढ़ाने का मन नहीं करता, क्योंकि ग्रामर के हर एक क्वेश्चन में बड़ी मेहनत है, हर एक क्वेश्चन में बड़ी मेहनत है, मैं आप लोग को बता दूं, समझ रहे हो? ग्रामर से सब लोग कट लेते हैं किनारे, यह बता देंगे इसका आंसर, यह आगे बढ़ो।
हाँ सब आजकल पगलाए पड़े हैं, जितने भी BMA कर लिया वो अपने नोट से छापे पड़ा है यूट्यूब पे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिखाना कि लोग आजकल क्या चाह रहे हैं। मतलब यूट्यूब अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो कुछ भी, अरे भैया बैलेंस करके चलो ना चीजों को, एक सिलेबस होता है उसको बैलेंस करके चलिए। लेकिन खैर सभी को मैं अप्रिशिएट करूंगा, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है और अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चों के हित के लिए कर रहे हैं तो उस तरह से करिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तब तो बात ही अलग है। प्रियंका रानी आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई जरूर देते हैं। है ना, एक बहुत बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ी संस्था, मैं आपको क्या बताऊं, वहां पे पढ़ाने खड़े होते हैं वो ये भूल ही जाते हैं। वो यही भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, इतना कंफ्यूज रहते हैं। तो अब संस्था वो उनकी तो है नहीं, तो जब तक आप अपना समझ के नहीं पढ़ाओगे किसी को तब तक लेक्चर में जान नहीं आएगी, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है बस 1 घंटा पार करना है, बस इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। चेहरे पे ऊर्जा नहीं रहेगी, निराशा के सागर में अगर आप डूबे रहेंगे तो आप हार्डी हो जाएंगे, पैसिमिस्टिक हो जाएंगे। मतलब मैं देख रहा हूं पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मुझे दुख होता है कि दो तो फिर जान लगा दो बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और आप लोग समझिए भी नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार ज्यादा हैं और आप लोग भी टीचर बनिएगा तो जितना आता है बेस्ट पढ़ाइए, ना आता हो पढ़ लीजिए तब पढ़ाइए, लेकिन आपकी बॉडी में एक ऊर्जा रहनी चाहिए। अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कल बज गया, कल मैंने रात वाली क्लास नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि मैं नोट्स बना रहा था आप लोग के लिए। आज जो 12:30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेने, उसके नोट्स बन रहे थे, क्वेश्चन टाइप हो रहे थे। अब टाइप तो हम ही करेंगे, रात में 12 बजे कोई बच्चा तो आएगा नहीं टाइप करने, हम ही को टाइप करना पड़ रहा था, टाइम लग रहा था। उधर ऑथर्स भी कराने हैं, उनको भी टाइप करना, लिखना है। मैं तो लिख के पढ़ाता हूँ क्योंकि लिख के कंटेंट ओरिजिनल जैसा लगता है और लगता है यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम। ठीक है, क्या हमने बताया? हाइम, बिल्कुल, एक रिलीजियस भजन टाइप का। विच ऑफ दीज वॉज थॉमस हार्डी फर्स्ट नॉवल? अब बड़ी बड़ी संस्थाओं में तो ये होता है कि भैया टीचर टिक करके देता है, टाइपर टाइप कर देते हैं फटाफट। अब सुबह से दूसरी क्लास है, 8:30 पे हुई है, ये वाली हो रही है, अभी 12:30 पे भी है, फिर 3:30 बजे प्लस की क्लास है, फिर रात में 10 बजे फिर अनअकैडमी पे क्लास है। समझ सकते हैं आप लोग, इंसान है, कभी कभी मन नहीं भी करता है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम में सफलता दिलाना है। विच ऑफ दीज वॉज थॉमस हार्डी फर्स्ट नॉवल? द पुअर मैन एंड द लेडी, रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो, थिंक एंड ग्रो, ये 2 बार हो गया है। तो भाई साहब पब्लिश्ड नॉवल की बात नहीं हो रही है, पुअर मैन एंड द लेडी। बेटा वो नोटिफिकेशन क्या मिलेगा, अगर आपने प्लस पे एडमिशन ले रखा है तो ऑलरेडी मिल जाएगा। व्हाट इज मीन बाय वेसेक्स? वेसेक्स एक ऐसा रीजन है जहां पर हार्डी के अधिकतर नॉवेल्स की सेटिंग आपको आप देखते हैं। तो बड़ा सरल शब्दों में बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में अधिकतर नॉवेल्स मैं शूट करूं लखनऊ में, तो क्या हो जाएगा मेरा लखनऊ क्या हो जाएगा, रीजनल, एक रीजनल पोर्ट कहलाऊंगा, ऐसे समझिए वैसे इसको। राइट, ए विल बी द राइट आंसर। द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, बता के बढ़ो।
वॉट वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज एसे ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर इन 1863? फटाफट देखें, जल्दी जल्दी बताएं। एक के ओके 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 एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा चलिए। खैर आंसर तो आप लोगों को पता ही है, हार्डी, ठीक है, वो बात नहीं है। एक मिनट, छवि धाम बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग को जितने अभी तक ऑथर्स पढ़ाए उससे बाहर नहीं आएगा। चार जो है आपके टीजीटी के, लगभग 10 ऑथर्स पीजीटी के, इन पर फोकस कर लीजिए, 14 राइटर। उसके बाद 9th टू 12th जो यूपी बोर्ड की, केवल यूपी बोर्ड की बुक है, उसको पढ़ाने की जरूरत, उसको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके। उसमें इंग्लिश में चैप्टर कौन कौन से हैं, उनके ऑथर्स कौन कौन से हैं, एक बार वो देख लीजिए बस। इसके अलावा कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है, बस गाइस हम इतना बता दें आपको। और या तो हम ही करा देंगे किसी दिन 9th टू 12th वाला, बस ऑथर्स, उनके वर्क का नाम, बस इतना पढ़ लीजिए, उनकी डेट बस। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने पढ़ाया ही आपको, ग्रामर आपका चल ही रहा है, सिलेबस कंप्लीट है, यही है सिलेबस समझो सब जूनियर एडेड का। अभी मैं आप लोगों को सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की एक क्लास और पढ़ा दूं बस। आज ये क्वेश्चन जो हमने व्हाट्सएप पर सेंड किया था, लगभग बच्चों ने उसका आंसर गलत दिया, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक ही क्वेश्चन दिया वो भी गलत बताया आप लोगों ने, तो उसको जरा मैं सही बता देता हूँ आप लोगों को क्या होगा। पहले मैं वो एरर लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा। उसके लिए गुरु मुझे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। समझो बेटा, वो क्वेश्चन क्या था देखिए बेटा, अब आप लोग आंसर दीजिए सभी लोग। वो क्वेश्चन मैंने स्टेटस लगाया था, लगभग 700 बच्चों ने देखा है, आंसर 200 से 300 बच्चों के आए हैं। वो क्वेश्चन था ग्रामर का था, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सेलेक्टेड, हैव बीन सेलेक्टेड इन द टीम, हैव रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इट, एक मिनट, टू ज्वाइन इट। राइटिंग में मत जाइएगा, हम मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, अब ये मॉडर्न इंग्लिश में नहीं आए तो इसलिए राइटिंग में मत जाइएगा। राइटिंग वैसे इतनी बुरी नहीं, जब मैं नॉर्मल लिखता हूँ, वैसे अभी मैं मिडिल इंग्लिश से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए भी राइटिंग ऐसी है, समझो गुरु। वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड, अब समझो, मैंने आप लोगों को वन ऑफ का रूल पढ़ाया था, मैंने कहा था वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, प्लूरल आया है, वन ऑफ द प्लेयर्स प्लूरल नाउन आया हैव बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट मतलब कई प्लेयर्स में एक प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है टीम में, लेकिन आगे कह रहा हैव रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इट, लेकिन उसने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। गुरु कई लड़कों में एक लड़का सेलेक्ट किया था तब तो प्लूरल वर्ब आ रहा है, यहां पर प्लूरल वर्ब जो आ रहा था वन ऑफ द प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड, पहली बात तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैज बीन सेलेक्टेड,
क्या होना चाहिए था यहां, तो एक तो होना चाहिए था हैज बीन सेलेक्टेड, क्योंकि वन ऑफ के बाद वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरे क्वेश्चन में ये था हु हैव, क्वेश्चन में क्या लगा था हु हैव, ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था गाइस वो कुछ इस तरह था। मैंने ये वाली कंडीशन तो आपको बता दी कि हैज बीन आएगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था उसमें बीच में हु लगा था, अगर आप लोग को याद हो, यहां पर लगा था हु रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन की एक क्वालिटी होती है उसके बाद वैसा ही वर्ब आता है जैसा उसके जस्ट पहले नाउन आता है। तो प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो हैव बिल्कुल सही है, यहां एरर नहीं है। बहुत से बच्चों ने यहीं पे एरर बता दिया था और यही उन्होंने गलती की। मेरे क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से देखा नहीं, मैंने आपसे कहा था कि बीच में हु लगा हुआ है, उस क्वेश्चन को गौर से देखिए, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता गुरु घंटाल, उसका अपने जस्ट पहले वाले नाउन से लेना देना होता है। तो गुरु घंटाल समझिए आप लोग, यहाँ पे हैव बिल्कुल सही है क्योंकि प्लेयर्स है आपका, बीन सेलेक्टेड इन द टीम, लेकिन भैया मना किसने किया है ज्वाइन करने से, सारे प्लेयर्स ने नहीं मना किया है, इस बंदे ने मना किया है, मना तो एक बंदे ने किया है ना ज्वाइन करने से, तो वन के हिसाब से यहां हैव ना के यहां पर हैज आ जाएगा, क्या जाएगा हैज आ जाएगा। बेटा हम हमेशा व्हाट्सएप नहीं चेक करते हैं सविता, ना मेरे पास हमेशा फोन रहता है, कुछ लोग काम करते हैं मैसेज भेजने का, ये सब उनके पास रहता है। आप लोग तो बिल्कुल पूड़ी सब्जी की दुकान समझ लिए हैं कि सर पूड़ी खत्म हो गई है एक और दे दीजिए, मतलब एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है चेक कीजिए। स्टूडेंट की संख्या 2500 है बेटा, 2500 में लोग 100 150 रोज मैसेज आते हैं, थोड़ा तो रहम खाओ मेरे ऊपर, वरना आप लोग यही कहोगे कि उदय सर एक अच्छे टीचर थे। हाँ ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है। हार्डी प्रोड्यूस्ड द नॉवेल द स्पेक्टर ऑफ द रियल इन कोलेबोरेशन विद, किसके कोलेबोरेशन में इन्होंने ये प्रोड्यूस किया था नॉवेल गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हार्डी प्रोड्यूस्ड द नॉवेल द स्पेक्टर ऑफ द रियल इन कोलेबोरेशन विद, कई बार मैंने पढ़ाया है आपको, फ्लोरेंस हैनिकर, क्या हो जाएगा फ्लोरेंस हैनिकर इज द राइट आंसर गाइस। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं मैंने गलत बताया हो, चलिए सब लोग आंसर दे लीजिए पहले, हो सकता है मेरा ही आंसर गलत हो, थोड़ा मैंने जल्दी आंसर दिया है, मुझे आप लोग का भी आंसर देखना चाहिए, जल्दी बताएं। और जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ, मतलब टीचर पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैंने फ्लोरेंस हैनिकर लगाया और आप लोगों ने बिल्कुल फ्लोरेंस हैनिकर लगा दिया, लेकिन एक गलत है, आंसर विल बी जॉर्ज मेरेडिथ, केवल एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, मैं देख पा रहा था क्योंकि मैं जानता था आप लोग बेवकूफी करोगे। अब लीजिए सब लोग ए आंसर देने लगे अब सब लोग ए आंसर देने लगे, यार कुछ तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेरे भाई होना चाहिए आप लोगों को, इतना कॉन्फिडेंस तुम लोग का कैसे लूज हो सकता है बेटा, कैसे लूज हो सकता है बताइए, आंसर सी सही है जो मैंने पहले बताया था, ओ माय गॉड, मतलब इतना आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही प्रिपरेशन है आप लोगों की मतलब इतनी बार एक क्वेश्चन मैंने कराया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आप लोग घूमने लगे। हार्डी प्रोड्यूस द नॉवेल द स्पेक्ट्रम ऑफ द रियल 1894, द करेक्ट आंसर विल बी सी फ्लोरेंस हैनिकर, ये तो नाम आपके दिमाग में रट जाना चाहिए।
हाँ लगभग बच्चों का आ रहा है, लेकिन जरा आप लोग देखिए पहले आप लोग क्या आंसर दिया था। नहीं कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पे रहना चाहिए, आपको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस यस सी विल बी द राइट आंसर। हाँ जितने लोगों ने सी दिया है उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। आप लोग को क्लास के बाद कॉफी चाय पिलाई जाएगी। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये थोड़ा टाइपिंग में ऐसे ऐसे हो गया, इसको सही कर देता हूँ जरा, एक मिनट रुको जरा गुरु। जल्दी बताएं, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अभी पढ़ाया है बेटा कुछ दिन पहले। बिल्कुल मैथ्यू अर्नोल्ड इज द राइट आंसर गाइस। यस 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 ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन इन विच पोयम ऑफ अर्नोल्ड डज द लाइन अकर। अर्नोल्ड की किस पोयम में ये लाइंस आई, ये भी गाइस आप लोग को पढ़ाया गया है, जल्दी बताएं। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी छुपा हुआ है गाइस। सोहराब एंड रुस्तम, बिल्कुल सही है, सोहराब एंड रुस्तम, और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी है गाइस। ठीक है चलिए, खैर ठीक है। और अगले जो एमसीक्यूज आने वाले हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड पे ही आने वाला है। जो मैं पोइट के एमसीक्यूज कराता हूँ ना, कीट्स के करा चुका हूँ, लैम के करा चुका हूँ, अब मैथ्यू अर्नोल्ड पे आने वाला है। ठीक है रेडी रहिएगा आप लोग। यस 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 बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। और आज रात 10 बजे क्लास है, 10 PM लेना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। ठीक है चलिए अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, शाम को मिलते हैं।